गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं वाले बच्चे। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो काव्य चल रहा है, करीबन काव्य की शुरुआत हमने कर दी है। काव्य की शुरुआत में यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे शिशु के नए नए निकले हुए दूध के दांत, उसका मतलब क्या होता है, मोतियों की तरह चमकने वाले। यहाँ पे बच्चे के जो दूध के दांत नए नए जो आते हैं उसको कहते हैं दंतुरित मुस्कान। मृतक यानि मृतक इंसान, जान यानि प्राण, धूली यानि मिट्टी के कण, धूल, दूसर यानि सना हुआ, जलजात यानि कमल, परस यानि स्पर्श, पाषाण यानि पत्थर। ठीक है, ये आगे जो हमने काव्य पढ़ा उसके अर्थ मैंने आपको बताए कि तुम्हारी, थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानि कवि कहते हैं छोटे बच्चे से कि तुम्हारे यह निकले हुए नए नए दूध के दांत कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। मृतक में भी डाल देगी जान, तुम्हारी ये जो हंसी है वो किसी मृतक इंसान में भी उसके प्राण डाल दे, ऐसी मुस्कान है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पे यानि सबको खुश कर दोगे तुम। शिशु का धूल दूसरित शरीर कवि को ऐसा लगता है जैसे कमल सरोवर से निकल कर झोपड़ी में खिला हो। समझ में आया, धूली दूसर तुम्हारा ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, अर्थात हंसता हुआ ये जो बच्चा है। कवि कहते हैं कि तुम्हारा ये जो शरीर है वो धूल मिट्टी के रचकण की जैसा किस प्रकार से यहाँ पे है, तुम्हारा ये शरीर किस प्रकार से ये मिट्टी के रचकण से सना हुआ है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि तुम कमल की तरह नाजुक हो जो सरोवर को छोड़कर मेरी इस झोपड़ी में खिल रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानि स्पर्श, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, अर्थात यहाँ पे तुम्हारा ये जो पत्थर रूपी, ये जो पत्थर की तरह ये कठिन मन है वो भी जैसे के पिघल कर मेरे, तुम्हारी ये हंसी का स्पर्श मात्र से ही जैसे के पत्थर मन वाले का हृदय भी जल की तरह पिघल कर बह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो वापस जो है, धूली दूसर तुम्हारे ये घात छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात यानि कमल, धूली दूसर यानि धूल से मिश्रित। यहाँ पे कवि कहते हैं इस काव्य की पंक्ति में कि तुम्हारा ये जो शरीर है वो मिट्टी के रचकण से सना हुआ है, और मुझे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल स्वयं तालाब या सरोवर छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यहाँ पे जो कवि है अर्थात इस काव्य के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये जो बच्चा है वो किस प्रकार से अपनी क्रियाएं हंस हंस कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ से करीबन बाकी है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश। ठीक है, यहाँ पे अनिमेश का मतलब होता है अपलक, बिना पलक झपकाए, मतलब आंखों को झपकाए बिना। ठीक है, तो यहाँ पे छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि दयाहीन हृदय भी तुम्हारे स्पर्श से पिघल जाएगा, तुम्हारे स्पर्श में जो कुछ भी आएगा वह चाहे बबूल हो या बांस, उससे भी कोमल फूल झरने लगेंगे। यानी कितना भी निरस व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान देखेगा तो उसके मुंह से कोमल शब्द के फूल झरने लगेंगे। इसका मतलब ये है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल। शेफाली के फूल ये एक प्रकार के फूल होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चों। बांस ताकि बबूल,
तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियों का भावार्थ ये होता है कि तुम्हारे हंसने की या स्पर्श मात्र से जो कुछ भी उसमें शामिल होगा, चाहे वो बबूल होगा कि बांस होगा, उससे भी अगर कोमल अगर शेफाली के फूल होंगे तो भी यहाँ पे वो झरने लगेंगे, अर्थात बिखर कर ज़मीन पर गिर जाएंगे। इस तरह से नीरस व्यक्ति भी कोई तुम्हारी मुस्कान को देखेगा तो वो भी यहाँ पे कोमल शब्द की तरह फूल उसके भी चरने लगेंगे। अर्थात ये काव्य पंक्ति है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बास था कि बबूल। तो ये पंक्ति के माध्यम से कवि बार बार कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ये जो मुस्कान है, तुम्हारी ये हंसी के स्पर्श मात्र से जैसे कि कोई बबुल का या बांस का भी पेड़ हो, चलो मान लो कि उससे भी अगर नाजुक कोमल शेफाली के फूल हो तो भी वो तुम्हारी मुस्कान को देखकर जिस प्रकार से झरने लगते हैं, उसी प्रकार से नीरस व्यक्ति भी यहाँ पे तुम्हारी मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश। अर्थात तुम मुझे पहचान नहीं पाए, शिशु की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होकर कवि उनकी जनेता के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। यहाँ पे जो कवि है, ये कवि जो है वो यहाँ पे बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखती रहोगे अनिमेश। अनिमेश यानि अपलक, बिना पलक झपकाए। आप देखिएगा कोई भी छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, टकटकी लगा के हमें घूरते रहते हैं, मतलब वो पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये नया इंसान, नया चेहरा कौन है। वो आँख, बड़ी बड़ी आँखें कर हमें घूरता रहता है। तो यहाँ पे कवि भी उस छोटे बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तुम मुझे अपलक ही, अपलक यानि बिना पलक झपकाए देख रहे हो। थक गए हो आँख लू में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब यहाँ पे बच्चे से कहते हैं थक गए हो आँख लू में फेर, तुम मुझे टकटकी लगाकर अगर थक गए हो तो मैं क्या करूँ, तुम आँखें फेर सकते हो, मैं भी अपनी आँखें फेर सकता हूँ। यहाँ पे कवि बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो, घूर घूर के देख रहे हो, अगर तुम थक गए हो तो तुम अपनी दृष्टि को हटा सकते हो, अतः मैं भी अपनी दृष्टि को हटा लेता हूँ, कोई बात नहीं जो तुम पहली बार में पहचान ना पाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अगर, क्या हुआ, देखो यहाँ पे है ना, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को देखकर पहली बार अगर परिचित नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अर्थात कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी माँ यदि माध्यम न बनी होती तो मैं न तो तुम्हारी मुस्कान को देख पाता, ना ही तुम्हारी मधुरता का अनुभव कर पाता। यहाँ पे वापस एक बार मैं ये पंक्ति दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती तो आज मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, तुम्हारी माता यदि माध्यम न बनी होती तो मैं तुमको ना आज देख पाता, मैं तुम्हारी इस मुस्कान को ना देख पाता, ना मैं उसकी मधुरता को अनुभव कर पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम और तुम्हारी जननी दोनों दोनों धन्य हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ, अन्य हूँ, इतर हूँ। यहाँ पे कवि ने कहा है कि तुम और तुम्हारी माँ यहाँ पे दोनों ही धन्य हो। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात बच्चे से कहते हैं तुम्हारे ये निकले नए नए निकले हुए दूध के दांत किस प्रकार से मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं, यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अधूरा थोड़ा सा काव्य बचा है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ जो फसल काव्य है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।